देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेएनयू राजद्रोह केस में मंजूरी मामले में पुलिस की भूमिका समाप्त, अब दिल्ली सरकार से पूछेगी कोर्ट। फिरोज शाह कोटला मैदान में आज कोलकाता और दिल्ली का मैच। विष्णु दिगंबर मार्ग राजघाट से लेकर जेएलएन मार्ग दरियागंज रहेगा बंद। सपा ने मुरादाबाद से लोकसभा टिकट बदला, मुरादाबाद से एचडी हसन होंगे उम्मीदवार। कल यूपी के बागपत में रैली करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। गांधीनगर सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दो सेट में नामांकन दाखिल किया। मनोज तिवारी ने सपना चौधरी से आज की मुलाकात, तय हुई उनकी भूमिका। पीएम मोदी का ऐलान, असम में घुसपैठियों को बाहर करना आपके आशीर्वाद से हुआ। वाराणसी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के रोड शो को काला झंडा दिखाया गया। जितिन प्रसाद का ऐलान, मैं कांग्रेस के टिकट पर धौरहरा लोकसभा सीट से लड़ूंगा चुनाव। समाजवादी पार्टी के एमएलसी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में हुए शामिल। नोएडा के सेक्टर 121 में 16वीं मंजिल से गिरकर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हाल में हुई थी सगाई। सुनंदा पुष्कर सुसाइड केस में सुब्रमण्यम स्वामी बोले, दिल्ली पुलिस ने की थी साक्ष्यों से छेड़छाड़। फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 2800 से 3500 तक में बेचते थे एक सिम, 6 गिरफ्तार। इस साल सर्दी ने जहां मार्च तक सताया, वहीं गर्मी भी अब रुलाने को तैयार है। इस साल दिल्ली समेत पूरे भारत में पड़ेगी रिकॉर्ड गर्मी। दिल्ली में गर्माई, सियासत सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार के लिए वोट मांगेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जौनापुर की झुग्गी में लगी भीषण आग, करीब 4 लोगों के झुलसने की खबर। यात्री मित्र करेंगे एनएमआरसी की फीडर बसों का प्रचार, लोकप्रिय बनाने के लिए उठाया कदम। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा मैं भी चौकीदार अभियान के तहत 31 मार्च को दिल्ली से देश भर को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम योगी जनसभा से लगाएंगे मरहम, 1,00,000 हत्याकांड से दुनिया में चर्चित हुआ था बिसाहड़ा। हाईकोर्ट के फीस बढ़ोतरी के आदेश के बाद सरकार और स्कूल में हुआ आमना सामना। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।